वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो क्लास 7 एंड क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है क्या, एक्सपोनेंट्स। तो प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के बारे में पूरी तरह से बता दिया है। तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइज मैं और देता हूँ, आप लोग हल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ, सभी कोई सॉल्व करेंगे। -2/3 टू द पावर -4 इंटू -3/5 टू द पावर 2। सॉल्व दिस, सॉल्व कीजिए और एज ए रेशनल नंबर आप इसका आंसर निकालेंगे। एज अ रेशनल नंबर आंसर निकालेंगे। हरी अप, जल्दी से कीजिए, बहुत आसान है, सो सिंपल। तो यहाँ देख रहे हैं -2/3 टू द पावर -4 इंटू -3/5 टू द पावर 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सो सिंपल सॉल्यूशन। यहाँ -4 है ना, तो इसे +4 में करने के लिए क्या कर दूँ, इसका मैं रेसिप्रोकल लिखूँगा। तो 3/2 -2 ओके टू द पावर 4 इंटू -3/5 टू द पावर 2। ये हो गया है ना। अब आप इसे हल करेंगे। सो सिंपल, इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3। नीचे में 4 × 3 हो गया, नीचे में -2 4 times × −2 × −2 × −2 × −2 फिर इंटू हो गया, यह -3 × -3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 × 5। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए -2 × −2 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी -2 × −2 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी -3 × −3 प्लस हो जाएगा, यानी आंसर सभी के सभी प्लस में आ जाएंगे। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं कोई कटने की तो कोई संभावना है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिख डालेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर आएगा 729/400 आंसर ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं देता हूं अब आपको क्वेश्चन, इवैल्यूएट कीजिए। चलिए बताइए, तो सभी को ही मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को, 5 × 0 इज इक्वल टू व्हाट, बी -6 × 0, सी 2 × 0 +3 × 0। हल करेंगे, सॉल्व करेंगे सभी कोई और जवाब देंगे। हरी अप, जल्दी से। तो हम सभी कोई जानते हैं कि यदि किसी पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो 5 × 0 है, हम सभी कोई जानते हैं ना, मैंने आप लोग को बताया है 8 × 0 यदि 0 हो, है ना, एक्सपोनेंट्स 0 हो, एक एक्सपोनेंट्स यदि 0 हो, पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो 5 × 0 है तो वैल्यू क्या होगा, 1 आंसर। -6 × 0 है, वैल्यू क्या होगा, 1 आंसर। 2 × 0 है, वैल्यू क्या होगा, 1। +3 × 0 है, वैल्यू क्या होगा, 1। दैट इज इक्वल टू 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आंसर। क्लियर, तो ये सब सवाल हल्के हल्के बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम लोग क्लास 8 की बुक से, 7 के बुक की प्रॉब्लम्स मैंने बताए, चलिए क्लास 8 का बुक से भी देख लेते हैं, जो आप लोगों को बताने के लिए हैं वो मैं बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, नोट डाउन, क्वेश्चन है आपके सामने 4/7
टू द पावर 5 इंटू 4/7 टू द पावर -3। सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस। सो सिंपल, बहुत आसान है। क्या करेंगे, माइनस को पहले प्लस में करेंगे। एक्सपोनेंट्स जो ये माइनस है, इसे प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 4/7 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, है ना। तो 4/7 टू दी पावर 5 इंटू, यह क्या हो जाएगा, 7/4 टू दी पावर 3। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 4 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 5 टाइम्स। 7 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसी प्रकार से अब क्या करूं, यहां 7 को 3 टाइम्स, 7 × 7 × 7 बाई 4 को 3 टाइम्स, 4 × 4 × 4। अब ये हल करना आसान है, यह 4 इस 4 से कटेगा, कट गया, यह 4 इस 4 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, है ना। 1, 1, 1, 1, 1, 1 ओके, 1 टाइम्स में कटा, 7, 7, 7 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, कट गया। ऊपर में बचा जो मल्टीप्लाई करें, 4, 4 जा 16, नीचे में क्या बचा, 7, 7 जा 49 आंसर। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है जो और आसान है, है ना। 7 से आसान तो 8 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी का हो गया, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ओके वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देता हूं एक क्वेश्चन और, देखिए 3/2 टू द पावर -3 इंटू 3/2 टू द पावर -2। सॉल्व कीजिए, तो आसान है ना, बहुत आसान है सर। यहाँ a बाई बी और a बाई बी दोनों सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 3/2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 + -2। क्लियर है। दैट इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर -5। इसे अब हम लोग रेशनल नंबर में निकालना हो तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, रेशनल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इसे प्लस करेंगे, तो प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 टू द पावर 5। दैट इज इक्वल टू, ये हमारे आंसर हो गए। अब इसे रेशनल फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5 नीचे भी 5 का 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई करो और आंसर बता दो मेरे को, मल्टीप्लाई करो और आंसर बता दो। ये मैंने क्या किया, 2/3 है ना, 2/3 3 है तो 5 मैंने कैसे कर दिया, 3 ना, 1, 2, 3, 4, 5 चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 डिवाइडेड बाई 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 क्या जाएगा, 243 हो जाएगा, 243 आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, हल करेंगे सभी कोई क्वेश्चन। 8/5 टू द पावर -3 इंटू 8/5 टू द पावर 2। वीडियो को पॉज कीजिए और सभी कोई सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। स्टार्ट कीजिए, 15 सेकंड, 10 सेकंड में टाइम दे रहा हूँ, काउंटडाउन चल रहा है, जल्दी से हरी अप, आफ्टर 10 सेकंड में बताना शुरू करूँगा, बस 5 सेकंड और, यस। चलिए आप सभी लोग अब मिलाएंगे, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन।
एट बाई फाइव और एट बाई फाइव रेशनल नंबर दोनों का बराबर ए बाई बी के फॉर्म में है, तो पावर हमारे को क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस थ्री प्लस टू दैट इज इक्वल टू एट बाई फाइव, माइनस थ्री में से प्लस टू गया तो कितना बचा वन, तो पावर आ गया वन दैट इज इक्वल टू एट बाई फाइव आंसर। सो सिंपल है ना, 10 सेकंड में बनने वाला सवाल था, तो ये सॉरी 8 बाई फाइव जो है जब माइनस थ्री में से प्लस टू जाएगा तो क्या आएगा माइनस वन आएगा ना, माइनस वन आएगा तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 बाई एट आंसर, 5 बाई एट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन माइनस टू बाई सेवन टू द पावर माइनस फोर इंटू माइनस फाइव बाई सेवन टू द पावर टू, सॉल्व कीजिए, काउंट डाउन चलाते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है। हरी अब स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन पहले बनाता है, कितना देर में काउंट डाउन चल रहा है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड का समय है, हरी अब स्टार्ट हो जाओ, सभी कोई बनाओ 30 सेकेंड्स के अंदर में। नाउ टाइम इज ओवर, लेट्स सी हेयर एवरीवन, लुक हेयर, सो सिंपल, यहाँ माइनस फोर है ना, यहाँ प्लस टू है, तो माइनस फोर वाले को प्लस फोर में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस टू बाई सेवन क्या हो जाएगा, सेवन बाई माइनस टू हो जाएगा, टू द पावर फोर इंटू यह हमारे को उसी फॉर्म में रह गया माइनस फाइव सेवन टू द पावर टू। अब इसे लिखता हूँ फोर टाइम्स, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन बाई माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ओके, और इंटू अब यहाँ लिखाएगा माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई सेवन इंटू सेवन, क्लियर है। अब काटा काटी शुरू, ऊपर सेवन है नीचे सेवन है, कटेगा ना, सेवन से सेवन कट गया, ये सेवन से ये सेवन कट गया, अब तो कोई नहीं कटेगा, अब क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना है, तो जिसका जो आंसर आया सभी को ही बताएंगे कि किसका क्या आंसर आया। तो नीचे कितना जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, इवन नंबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस फोर है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंबल सब प्लस हो जाएंगे तो हमारे को क्या आ जाएगा, सेवन सेवन फोर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे आपको सिक्सटीन, दैट इज इक्वल टू फोर्टी नाइन को ट्वेंटी फाइव से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा वन टू टू फाइव बाई सिक्सटीन आंसर। दिस क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व्ड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं अब, और आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूं सिंप्लीफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ध्यान से देखेंगे, माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू टू द पावर टू, ओके, नाउ अब इसके पूरे का ब्रैकेट ले लीजिए एंड नाउ दिस इज द पावर माइनस थ्री, अब ये थ्री माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर, अब इस पूरे होल का माइनस थ्री, अब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, यदि पावर का भी पावर हो
तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी पावर यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंपल, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू टू द पावर टू इंटू माइनस थ्री। ओके, सो सिंपल, बहुत आसान है, दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स। अब यह माइनस को प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाई माइनस थ्री टू द पावर सिक्स। आंसर क्लियर है सभी का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये हल करेंगे आप सभी लोग, मैंने ये बता दिया है, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, माइनस वन बाई थ्री टू द पावर टू नाउ होल पावर माइनस टू नाउ होल टू द पावर माइनस वन। सॉल्व कीजिए और बताइए मेरे को आंसर क्या होगा। आसान है कि कठिन है, बहुत आसान है ना? यस सर, बहुत आसान है, मैंने बताया है पावर का पावर है, इसका भी पावर है, तो ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंपल, माइनस वन बाई थ्री एक लाइन में बना देता हूँ, टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, टू इंटू टू क्या हो गया, फोर, दैट इज इक्वल टू फोर हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, फोर टाइम्स, दैट इज इक्वल टू थ्री थ्री या नाइन, नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री या एटी वन, माइनस वन बाई एटी वन। आंसर क्लियर, किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? जब नहीं है तो एक सवाल आपके लिए, इस सवाल को आप लोग हल करो, कॉपी कलम से तैयार करो और जरा हल करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, माइनस थ्री बाई टू टू द पावर टू टू द पावर माइनस थ्री। सॉल्व करो सभी, कोई सॉल्व करना शुरू कीजिए, काउंटडाउन स्टार्ट, 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड। ओके, नाउ लेट्स सी, सभी कोई जान रहे हैं, पावर पर पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस थ्री बाई टू टू द पावर टू इंटू माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू टू द पावर माइनस सिक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, टू बाई माइनस थ्री टू द पावर सिक्स। आंसर ओके, सो सिंपल, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में आइए, और क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिक्स टू द पावर माइनस वन माइनस एट टू द पावर माइनस वन को होल माइनस वन प्लस टू टू द पावर माइनस वन माइनस थ्री टू द पावर माइनस वन होल माइनस वन। सॉल्व दिस, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करेंगे, है ना? तो सिक्स टू द पावर माइनस वन है तो उसे लिख सकते हैं वन बाई सिक्स माइनस वन बाई एट, ठीक है, टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे क्या, प्लस
टू टू पावर माइनस वन है, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री टू द पावर माइनस वन। ब्रैकेट के अंदर हल करने के बाद ही हम इस माइनस को देखेंगे। ओके, तो सिक्स और एट का एलसीएम कितना आएगा आप देख लीजिए, सिक्स और एट का एलसीएम आएगा 48, तो सिक्स एट जा 48 माइनस एट सिक्स जा 48 टू द पावर माइनस वन, प्लस इधर हो गया थ्री और टू का एलसीएम सिक्स, टू थ्री जा सिक्स थ्री माइनस थ्री टू जा सिक्स टू, दैट इज इक्वल टू एट माइनस सिक्स गया टू बाई 48 टू द पावर माइनस वन, प्लस इधर हो गया वन बाई सिक्स, यहाँ माइनस वन है टू द पावर माइनस वन। अब माइनस वन से क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्या 48 बाई टू प्लस सिक्स हो गया, क्लियर। टू से 48 कटेगा 24, तो 24 प्लस सिक्स क्या आ जाएगा 30 आंसर। क्या हो गया 30 आंसर हमारा आ गया, सभी कोई देख लिए। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे। सिक्स टू द पावर माइनस वन प्लस थ्री बाई टू टू द पावर माइनस वन, और इस पूरे पर पावर माइनस वन। चलिए सॉल्व कीजिए आप सभी लोग, काउंटडाउन शुरू करते हैं, स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। ओके, यस, बन रहे हैं सभी का, शुरू करूं, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम चले जाते हैं, सिक्स बाई माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई सिक्स, प्लस थ्री बाई टू टू द पावर माइनस वन है तो क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, अब इतना तो बोलने की जरूरत नहीं है, माइनस वन हो गया। माइनस वन दैट इज इक्वल टू अंदर वाले का हल करेंगे, सिक्स और थ्री का एलसीएम तो हमारे को सिक्स ही आ जाएगा। ओके, सिक्स वन जा सिक्स वन, प्लस थ्री टू जा सिक्स टू टू जा फोर टू द पावर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू वन प्लस फोर क्या हो गया फाइव बाई सिक्स टू द पावर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स बाई फाइव आंसर। क्लियर, बहुत आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप लोगों के लिए, यह क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, टू टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय फाइव टू द पावर माइनस वन का स्क्वायर इनटू इनटू माइनस फाइव बाई एट टू द पावर माइनस वन। हल कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, हल करेंगे। चलिए बता देता हूं, जिन्हें बनाना है वीडियो रोक लो, शुरू हो जाओ बनाना, फिर देख लेना। टू टू द पावर माइनस वन है तो इसे अब क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू डिवाइडेड बाई है वन बाई फाइव लिख दूँ, फाइव फाइव टू द पावर माइनस वन को स्क्वायर हो गया इनटू माइनस फाइव बाई एट टू द पावर माइनस वन है, रहने दो। इस ब्रैकेट के अंदर ही क्रिया करते हैं, इक्वल टू वन बाई टू डिवीजन का कर देते इन मल्टीप्लीकेशन इनटू, तो वन बाई फाइव क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, टू द पावर टू इंटू माइनस फाइव बाई एट टू द पावर माइनस वन है तो माइनस वन को हटाइए तो क्या हो जाएगा एट बाई फाइव, दैट इज इक्वल टू अब क्या हो गया वन बाई टू इंटू फाइव, तो ये क्या हो गया फाइव बाई टू टू द पावर
टू इंटू एट बाई फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव बाई टू इंटू टू और इधर एट बाई फाइव हो गया इंटू एट बाई फाइव। अब ध्यान दीजिए ये फाइव से ये फाइव कट गया ओके टू फोर जा एट और टू टू जा फोर आंसर क्या आ गया फाइव टू जा टेन। एक चीज़ मैंने गलती किया क्या यहाँ पर माइनस जो था वो सिंबल हटा दिया रेसिप्रोकल किए तो माइनस फाइव बाई एट से क्या हो जाएगा या एट बाई माइनस फाइव हो जाएगा तो माइनस तो रहेगा ही ना माइनस का सिंबल नहीं ना गायब होगा तो माइनस तो यहाँ भी रह गया ठीक है तो माइनस यहाँ भी रह जाएगा माइनस टेन आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आएगा माइनस टेन आंसर ओके। सभी कोई का सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हल करेंगे वन बाई टू टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाई थ्री टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाई फोर टू द पावर माइनस टू हल कीजिए बहुत आसान है सो सिंपल। सबसे पहले क्या करूंगा ब्रैकेट को तोड़ देता हूं ब्रैकेट तोड़ूंगा तो माइनस टू है तो क्या हो जाएगा प्लस टू तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल लिखाएगा टू टू द पावर टू प्लस थ्री टू द पावर टू प्लस फोर टू द पावर टू ओके टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन और नाइनटीन क्या हो जाएगा सिक्सटीन फोर ट्वेंटी प्लस नाइन ट्वेंटी नाइन आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था है ना अब आप लोगों के लिए हल करना बहुत आसान हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है आपके बुक में बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई थ्री टू द पावर माइनस नाइन सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू थ्री। सॉल्व दिस सॉल्व कीजिए सभी कोई क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। समझ में आया अब मैं बताता हूं चलिए बाय व्हाट नंबर कितना नंबर से तो मान लिया कि वो नंबर x होगा शुड बी मल्टीप्लाई क्या करना है मल्टीप्लाई करना है यानी x इंटू किस में थ्री टू द पावर माइनस नाइन में थ्री टू द पावर माइनस नाइन में सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू थ्री कि प्रोडक्ट हमारे को क्या आ जाए थ्री बस यही तो सवाल है तो सो सिंपल है तो ये थ्री टू द पावर माइनस नाइन है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वन बाई थ्री टू द पावर नाइन इज इक्वल टू थ्री हो गया क्लियर इक्वल टू चलिए तो ये थ्री टू द पावर नाइन जब इस साइड जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में है ना नीचे डिवीजन में तो ये ऊपर चला जाएगा उस साइड जाएगा तो एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री ये वन बाई थ्री टू द पावर नाइन हो गया ऊपर चला गया इंटू थ्री टू द पावर नाइन ओके दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू थ्री टू द पावर टेन आंसर यानी थ्री टू द पावर टेन से मल्टीप्लाई करेंगे
थ्री टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे को आ जाएगा। चेक करके बता दूं। चलो भैया चेक कर देते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर x के जगह पर 3 to the power 10 पुट करेंगे इंटू 3 to the power -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी और ये a by b और a by b दोनों इक्वल है ना, ये 3 to the power 10 है, ये 3 to the power -9 है, तो क्या हो जाएगा 3 to the power 10 -9 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 3 to the power 1 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया ना, सॉल्व हो गया है ना, चेक भी कर दिए, बना भी दिया, चेक भी कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो आप लोग बना लेंगे। अब क्लास 7 एक्सरसाइज 5A सॉल्व करेंगे क्लास 7। ओके क्लास 8 एक्सरसाइज 2A सॉल्व करेंगे क्लास 8, दोनों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और आगे का इस चैप्टर्स का जो बचा हुआ पोर्शंस है वो देखेंगे, है ना, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म वह जो पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वह नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके थैंक यू।